नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया। मैं हूं जयंत श्रीवास्तव। हम एक बार फिर हाजिर हुए हैं आई इंडिया के खास प्रोग्राम राजनीतिनामा में। उत्तर प्रदेश में 18वीं विधानसभा के गठन के लिए शनिवार को चुनाव आयोग ने चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही प्रदेश में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। रणभेरी बजते ही सियासी दलों की सेना यानी कार्यकर्ता तैयार हो गए हैं। हालांकि अभी प्रत्याशियों यानी सेनापतियों की घोषणा होना बाकी है। तारीखें घोषित होने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए भाजपा की प्रचंड बहुमत से सरकार बनने का दावा किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लोकतंत्र के महापर्व में प्रदेश के चुनाव की तिथियों की घोषणा का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियों के आधार पर जनता जनार्दन के आशीर्वाद से प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने में सफल होगी। इससे पहले सीएम योगी ने चिकित्सा सेवाओं को विस्तार देते हुए 600 करोड़ की ई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। इसमें संजय गांधी पीजीआई में एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर काफी खास है। वहीं लखनऊ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव आयोग ने कोरोना में अगर ऑनलाइन वोटिंग का ऑप्शन दिया तो हम उसका विरोध करेंगे। साथ ही चुनाव आयोग से अपील भी करेंगे कि इलेक्शन कमीशन कुछ फंड दे दे, जिससे हम बीजेपी के स्ट्रांग आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के सामने मजबूती से डेमोक्रेटिक लिहाज से चुनाव लड़ सकें। उधर आरक्षण मसले पर निषाद समाज पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने पत्रकार वार्ता में सपा, कांग्रेस और बसपा पर हमला बोला। कहा कि सपा और कांग्रेस की ओर से आरक्षण की बात शोभा नहीं देती। इन लोगों ने हमेशा निषाद समाज को धोखा देने का काम किया है। बसपा पर तंज कसते हुए कहा कि हमारे लोग आरक्षण की आवाज़ उठाते थे तो बसपा पार्टी से निकाल दिए जाते थे। कहा कि उनकी पार्टी आरक्षण मुद्दे को हल करने के लिए निषाद पार्टी ने संकल्प लिया है।